नमस्कार दोस्तों, अभी अभी दो मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अयोध्या राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर को उड़ाने की एक बार फिर से धमकी मिली है। इस बार धमकी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने दी है। इसका एक वीडियो वायरल होने के बाद यूपी की योगी सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। रामनगरी में तैनात सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया है। अलर्ट के बाद अयोध्या में रामकोट के सभी बैरियरों पर सघन चेकिंग अभियान के साथ जांच शुरू कर दी है। रामलला के दर्शन मार्ग पर भी श्रद्धालुओं की निगरानी बढ़ा दी है। बताया जाता है कि धमकी वाले ऑडियो में आमिर नामक जैश ए मोहम्मद आतंकी को कहते सुना जा रहा है कि हमारी मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाया है, अब इसे बम से उड़ा दिया जाएगा। आतंकी कह रहा है कि हमारे 3 साथी कुर्बान हुए हैं और अब इस मंदिर को गिराना ही होगा। अलर्ट के साथ ही सुरक्षा एजेंसियां ऑडियो की जांच कर रही है। राज्य सरकार की तरफ से निर्देश के बाद केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। अयोध्या के राम मंदिर पर हमले की धमकी इससे पहले भी 2 बार मिल चुकी है। पिछले साल भी धमकी मिली थी, हालांकि तब फर्जी निकली थी। इससे पहले 2005 में भी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने यहां हमला भी किया था। अब एक बार फिर से जैश ए मोहम्मद के नाम से अयोध्या में आतंकी हमले का ऑडियो वायरल हुआ तो सतर्कता तत्काल बढ़ा दी गई है। अलर्ट के बाद अयोध्या में सतर्कता बढ़ाई है। मंदिर परिसर और आसपास के साथ ही बैरिकेडिंग आदि पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई है। और बता दें कि ये धमकी ऐसे समय में मिली है जब जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 4 दिन में 4 आतंकी हमले हुए हैं। एक तीर्थ यात्रियों की बसों पर भी हमला हुआ है, जिसमें 10 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। इसके बाद सेना के काफिले पर हमला हुआ, DIG और SSP की गाड़ियों पर भी हमला हुआ है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। प्रत्येक गाड़ी की जांच की जा रही है। और इसी बीच दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद पूरे इलाके में हाहाकार मच गया है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है।